छाड़ खाई कहिले मासक जाक जो जो खाइबा को आमे छाड़ी थाउ छाड़ खाई थारु से सब रोसी को आमे खाई थाउ से जे कोनोसी पनीपरिवा हो बा आमिष हो। आज मु आपण मानक पई नेई के आसीची छाड़ खाई स्पेशल मटन तरकारी। आज मटन तरकारी को मु पूरा भिन्न शैली रे बने के देखेबी जहाद्वारा आर टेस्ट भी आपण रेगुलर मटन तरकारी थारु टिके भिन्न पाइबे। सेतिपई मोर अनुरोध रोसी को पूरा देखंतु। जदि भल लागबो वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे आउ हां पाखरे जो बेल आइकन अछि ताको भी प्रेस करिवे। आउ जदि खाई के भल लागिला मते कमेंट करबा को भूलिबेनी। तो चलंतु बनेबा स्टार्ट करिवा। नमस्कार आनंद भोजन चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत करूची। छाड़ खाई स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट मटन तरकारी बनवाप प्रथम आमको दरकार मटन। से मुझे नहीं गोटे के जी मटन ये जो मटन नहीं गोटे गोटे पीस को देखु टिके बड़ अच्छी ता सहित तो हल्का हल्का चर्बी लगी। एमती चर्बी सहित तो जब मटन तरकारी बनवा तालोले तरकारी टेस्ट बढ़ी थाए। आपण मनरे गोटे क्वेश्चन आसीपा चर्बी तो शरीर पर हितकर नुहे फैट बढ़ कोलेस्ट्रोल बढ़िपे कि मो मतरे जदि आपसक थर को दुई थर मटन खाऊँ तेल अल्प चर्बी सहित खाइले शरीर पर क्षति नुहे। आदि आप हप्ता को थे खाऊँ तेल चर्बी को पूरा अवॉइड करूँ। एवं चलत मटन बेसिक मैरिनेट करवा से मुझे देवी गोटे चमच लुण और सहित अधा चमच हलदी गुंड आठ बेसी किसी ये स्टेज पकेबा दरकार नहीं। कौन करवा परिष्कार हाथ में लुण और हलदी गुंड को मटन सहित भलसे गोलई दबा। गोलैला या दस मिनिट पर सैडे रखिदबा। एवं चलत जावा चूली पाख को मटन तरकारी बनवा आगु बाकी सब प्रिपेरेसन करवा। गैस अन करके गोटे बड़ हांडी रखिदेवी। एवं हांडी देवी 150 ग्राम भाया रिफाइंड तेल। मुझे मटन तरकारी को रिफाइंड तेल बनाऊँ। आपन चाहिए सोरिष तेल भी बनीपरिवे कि जानवे जब सोरिष तेल ठार रिफाइंड तेल बनइबे तेल टेस्ट बेसी भल आस तेल को पकेला हाई फ्लेम भलसे गरम करवा। जमी तेल गरम होकेबा दुईटा मीडियम सैज्र चोपा छड़ेक दी फाड़ काटिक रखि आलु। आलु ये अप्सनाल इच्छा हेल्ले पकेबे ना स्कीप करेंगे। आलु को गरम तेल पकेला पूरा लाल कलर आसला पर्यंत भाजवा। ये देखूँ आलू भाजी ही गला आठ बेसी भाजवा दरकार नहीं। एवं गोटे प्लेट को बाहर करदे कलापर ये भजा आलू को सैड्रे रखिदे कहीं आम आपको व्यवहार करवा। एवं चलत मसलार प्रिपेरेसन करवा। से देखूँ मुझे पांच रु छा मीडियम सैज्र पिज को पूरा पतला पतला और लंबा लंबा स्लाइस रे काटिक नहीं। ग्राम रे जदि कह पिज ये 300 ग्राम रही ध्यान रखु गोटे के जी मटन पर 300 ग्राम पिज यहीटा ही परफेक्ट माप मटन आ पिजर। एवं पिज को नहीं जावा आउ हांडी बड़ का गरम तेल पकईदे। मुठी एक्स्ट्रा तेल आउ पक जेहेतु मटन रे चर्बी अच्छी जदि आपन को लगुच तेल कम हो जाए आउटे तेल पकईपरें। पिज को पकेला मीडियम रु हाई फ्लेम रे पूरा गोल्डन कलर आसला पर्यटन भाजवा। पिज को ये भलसे भाजवा निहाती दरकार। जदि टिके भी पिज भजा कम होता देखिए तरकारी टेक्सचर आउ टेस्ट पूरा अलग लगे। से मुझक ये गोटे गोटे टिप्स बहुत क्लीयरली सेयार कर देखु पिज भाजी गला तार क्वांटीटी के कम हो जा आउ कलर भी देखूँ के चेंज लगे आठ बेसी भाजबानी। एवं कौन करवा ना ये भजा पिजर अधारु बेसी पिज बा वन थर्ड पार्ट आम प्लेट को बाहर करदे। ये देखिपे मुझे प्लेट रे बाहर कर देखिए पिज को भलसे थंडा करवा। थंडा होगापर ए अल्प पा दे कि मिक्सी में चिकन की बाटिक नहीं आसर। एवं आम मैरिनेट करके रखि मटन को आणिकी बड़का पिज सहित गरम तेल पकईदे। पकेला चामच में भलसे गोड़ी पांच मिनिट पर टिके एपट सेपट करवा। जमी देखिए मटन टिके भाजी ही कलर चेंज होती पांच चम्मच भाया अदा रसुण बटा पकेबा। ए बटारे अदा और रसुण भाग समान रहा सहित तो किसी गुंड मसला पकेबा। गुंड मसलार अधा चमच हलदी गुंड आठ बेसी पकेबेनि कहीं आम आगु मटन रैरिनेसन भी पकईले सहित तो गोटे चमच राग लंका गुंड राग ये निज टेस्ट अनुसार कम बेसी करेंगे। सहित तो गोटे चमच धनिया गुंड गोटे चमच जीरा गुंड आस्ट्रे गोटे चमच काश्मीरी लंका गुंड। काश्मीरी लंका गुंड बहुत माइल्ड एथेरे राग न था खाली कलर पर मुझे यूज करुंड मसला को पकेला चमच में मटन सहित भलसे गोड़ेदे। गोड़ेला कवर करके आठ रु दस मिनिट पर लो फ्लेम छाड़ा।
ताकि मटन रे जहाँ भी मॉइश्चर थी से बाहर स्टार्ट हे। ये देखो गुंड मसला को पकईकी कवर करने पाखापाखि 10 मिनिट हो गला। मटन रे भी देखो हल्का हल्का पा भी देखा जा स्टेज रे आम आगु भाजिक बाहर करके रखी पिज को मुझे बाटिकी नहीं आसी आपको भी ए पकईदे। रोसे को आगुक नवा आगु आपको बहुत बहुत अनुरोध मो रोसे आपति लगुच मतलब कमेंट करूँ ता सहित वीडियो को गोटे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करूँ। ता सहित अधा छोट किना फ्रेश बसा दही नहीं भी ए पकेब ध्यान रखिए दही जमा हेल्ले खट नही पकला बेले गैस फ्लेम पूरा लो ररकार। सहित एवाद अनुसार लुण पकईवा ध्यान रखिए आम आगु मटन रैरिनेसन भी लुण पकई से बाकी लुण देखिक पकेबे। लुण पकला सांगे सांग मटन सहित भल से गोड़ेदे कहीं आम ए दही पकईे से जेपर्यंत दही मटन सहित न मिशी से पर्यटन आपको भल से गोड़े ना दही छेड़ी जमी देखिए दही मसला सहित भल से मिसीगला सांगे सांग ढांकुणी में कवर करदे कम से कम 25-30 मिनिट। जेहेतु आम मटन को हाँ बनाऊे से टिके टाइम निश्चित लगे कि लास्ट में तार रेजल्ट भी बहुत भल मिल। छड़ा आपण पाखे जब बेस समय नहीं आपको कुकर में भी बन पारे आदि कुकर में बनाऊँ पूरा प्रोसीजर को सेम रखे आते बड़े कुकर में सीटी देवे से आगे कहबी। ता सहित जितेबाड़ मटन को कवर करके कसुवे पूरा छाड़बे मझेरे मझेरे खोलिक मटन को गोलाउे ना मटन हो कि मसला हो तलू लगे जहाद्वारा पूरा तरकारी टेस्ट भी खराब हो। देखो मटन को कसवा पाखापाखि 30 मिनिट हो गला। मटन रु तेल अलग हाबक लगला एवे ग्रेवी गरम पा पकेबा मुझे मटन को डुबिला भाया पा दे कहीं आम आपको आउ 30 मिनिट कवर करके फुटेबा से प्रथम पा टे बेसी एवं चलतु आम तर मटन तरकारी गोटे स्पेशल मसला गुंड बनवा से देखु मुठी गोटे प्लेट रखी 1.5 चमच भाया गोटा धनिया 1/4 टीस्पून पान मधुरी 4-5टा सुखिला लंका अधा चमच गोटा गोलमरीच 2टा छोट गुजराती गोटे बड़ गुजराती गोटे तेजपत्र ता सहित 2 इंच भाया डालचीनी ये सब गोटा मसला नहीं कि फ्राई पैन रे अल्प भाजवा से आगुरी गैस अन करके गोटे छोट तड़का पैन रखीदी ए सबूत गोटा मसला को देकि आपको पूरा लो फ्लेम रे 2 मिनिट भाजबी जिते बड़े देखिए हाल्का हाल्का बास्ना आसो से पर्यटन आपको भाजबे ताटू बेस भाजबे पोड़े ना गुंड मसलार किसी भी बास्ना रही। ये देखो कथा कथार गोटा मसला भाजी गला देखी पड़ते अल्प अल्प धूआ भी बाहर एवं गैस फ्लेम को अफ करके आपको गोटे प्लेट को बाहर करदे अल्प थंडा करके भल से गुंड करके नहीं आसवा। ये देखो मु गुंड करके नहीं आसी एबे गुंड मसला को लेकिन आम मटन में पकईदे आगर आगुरी भाजिक रखी आलू को पकेबा तापर गुंड मसला को पकेबा। ये सबूतक गुंड मसला को पकईदी गोटे के मटन पर भजा गुंड मसला परफेक्ट आपण मटन क्वांटिटी अनुसार ये भजा मसलार क्वांटिटी को कम बेसी करेंगे। गुंड मसला को पकेला आउ थे गोलईदे आ 15 मिनिट कवर करके फुटवाक छाड़ा। ता सहित आम जो भजा आलू पकईे देखिए सी भी भल से सीझीज ये स्टेज में जदि आप कुकर में बनाऊँच ए भजा मसला और आलू को पकेला परे कुकर लिड को बंद करके हाई फ्लेम रे गोटे सीटी देबे ताहले भी देखिबे तरकारी रेडी हो जिवो। एठी देखंतु तरकारी हमर पूरा रेडी टोटल एठी मते एतिक मटन बनेबा पूरा 1.5 घंटा लागिला आपण को आटू टिके बेसी बा कम मध्य समय लागि पारे सेटा मटन रो क्वालिटी उपर डिपेंड करिवो। ता छोडा मो मते जदि आपण एमिदि हांडी रे बनाउचंदी गोटे घंटा रो अधिक समय लागिवो किंतु कम लागिबोनी। एठी आमे मटन को चेक करिवा देखंतु मटन बहुत भलो से थिजी जाईची ता सहित ना बोटे बहुत बढ़िया बासना भी आसुची। एबे लास्ट रे किछि धनिया पत्र पकेबा पकेला परे फ्लेम को ऑफ करके कवर करिवा पाखा पाखी 10 मिनिट पई ता परे प्लेटिंग आ गरम गरम भात सहित आर मजा उठेबा आउ खाई केमी लगला मत कमेंट करके निश्चित जनइबे। मुझ आशा कर मटन तरकारी बनवा प्रोसेस आपन को निश्चित पसंद आसीब जदि भल लगी वीडियो को लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज ये रोज धन्यवाद।